देखिए, एनडीपीएस गौ तस्करी अवैध शराब इस पे अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयां जो है वो जारी है। विगत कुछ दिनों पहले सोहेल और नामक एक व्यक्ति को, उसकी सिस्टर को, दोनों को एनडीपीएस में रिकवरी उनसे हुई थी और लगभग 1 किलो के आसपास हेरोइन उनसे बरामद हुआ था। आज उसी के गिरोह के 2 लोग, जब कल सूचना मुखबिर की मिली कि वो दिलदार नगर एरिया में कहीं घूम रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की जो है वो पुलिस ने कोशिश की, पर सरफराज जो कि इसी प्रकरण में जग्गीपुर थाने से 25,000 का इनामी है, वहाँ से वो फरार हो गया। इसका भाई जो है फैजान, वो उसकी गिरफ्तारी कल कराई गई थी। उसके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल और 415 ग्राम अवैध हेरोइन उससे बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू लगभग 40 लाख के आसपास है, उससे बरामद हुआ है। दोनों मुकदमों को जंगीपुर और दिलदार नगर को लिंक किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए समस्त इनकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की जाएगी। साथ ही में इन लोगों के सारे डिटेल्स सर्विलांस से एनालाइज किए जाएंगे। जो जो व्यक्ति इस गिरोह में संलिप्त है, उन सभी के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में कराई जाएगी। अभी तक सर आपने गैंगस्टर एक्ट में कितने लोगों को देखिए, विगत कुछ दिनों से गैंगस्टर एक्ट में लगातार कार्रवाइयां जारी है। एनडीपीएस की अगर बात करेंगे तो लगभग 9 करोड़ से अधिक संपत्ति इसमें, अवैध संपत्ति इसमें जब्त हुई है, जो कि इस तरीके से क्राइम प्रोसीड से पाई गई है, बनाई गई है। और अगर रिकवरी की बात करें तो लगभग 6.5 करोड़ रुपये का गांजा और हेरोइन दोनों इसमें बरामद कराया गया।